चाहते ना चाहते हुए गुजरते हैं, गुजरना पड़ता है। और फिर कुछ एक ज़िंदगी के ट्विस्टन ऐसे होते हैं जो आपको एक चौराहे पे या एक मुकाम पे ला के खड़े कर देते और वहाँ से दो राह निकलता है, डिसाइड करना होता है कि इस ज़रिए जाना है या उस ज़रिए जाना है। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है और हर फिल्मकार ये बोलता है अपनी फिल्म के बारे में कि कहानी दिलचस्प है, तभी तो बनाने की मेहनत करता है इंसान। लेकिन इस कहानी की ब्यूटी ये है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो जितने भी किरदार हैं, आप उस हर किरदार में जो बहुत सारी बात है उसमें से हर किरदार में से कोई एक बात आपको ऐसी लगेगी कि जो आपके बारे में है, जो आपके साथ हो चुकी है या आप उसमें से गुजर चुके हो। और ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, कोई एक कैरेक्टर से रिलेट करना आसान होता है, लेकिन जब कोई किसी फिल्म में 7-8 किरदार हो और 8ों किरदार से ऑडियंस को रिलेट करवाना हो तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो टास्क जो है वो हमने बहुत ही बखूबी और बहुत ही सूदिंगली स्मूथली अचीव किया हुआ है। और उसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट कि अगर मौका मिले तो हर इंसान को जाके ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो थिएटर्स में, आपके नज़दीकी थिएटर्स में, तो जाके देखनी चाहिए। बिकॉज आपको ये हंसाएगी और हंसाते हंसाते रुलाएगी। और इन दिनों जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि रोना एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जो हम सब कहीं ना कहीं करने से बहुत ही दूर चले गए। और ये साइंस बोलता है कि हंसने से जितना हेल्दी इंसान होता है उतना हेल्दी रोने से होता है। तो मुझे इस बात का गुरूर है, अगर कोई देखते देखते दो आंसू बहा लेगा तो सिनेमा का, थिएटर का वही एक प्रिविलेज होता है कि कोई आपको देखता नहीं और आप रो लेते हो और आप खुश भी रहते हो। बहुत कम फिल्मकारों को ऐसा एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जिसमें आप पहली फिल्म बनाते हो और वो फिल्म बनाते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस, वो लिबर्टी, वो प्रिविलेजेस दिए जाए जैसे आप ऑलरेडी 4-5 ब्लॉकबस्टर बना चुके हो। तो नताशा और खुशी का जहाँ तक मेरे साथ काम करने का या मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे हर बार हर चीज़ में सपोर्ट दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है और एक ब्लाइंड फेथ के साथ एक लिबर्टी दी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसपे हमारे बहुत सारे लंबे चौड़े क्रिएटिव डिस्कशंस हुए, और जो क्रिएटिव डिस्कशन का एक मज़ा होता है कि वो डिस्कशन कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और वो आर्ग्यूमेंट कब झगड़े में तब्दील हो जाती है आपको पता नहीं चलता है। तो हमने वो फेजेस भी देखे हैं, लेकिन उसके एंड में जब भी कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा मेरे पे ब्लाइंड फेथ रखी है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो मैं गुरूर के साथ कहूँगा कि अरे अरे मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग ऑब्वियसली, लाइक थिंग्स हैपन फॉर देर आर सर्टेन एक्साइटमेंट्स विच लीव यू नम इन योर लाइफ। सो आई वुड से दैट दिस पर्टिकुलर एक्साइटमेंट फॉर मी इन माई लाइफ इज समथिंग विच माइट लीव मी नम, बिकॉज लाइक यू नो फिल्म मेकिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, एंड वेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेर देर इज नो बैकग्राउंड एंड यू हैव टू स्टार्ट डिगिंग फ्रॉम द नॉच एंड यू कीप डूइंग थिंग्स, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट और रादर टू हैव अ मोमेंट इन माई लाइफ वेर आई कैन लिव एंड आई कैन से दैट ओके वंस इन माई लाइफ आई मेड अ फिल्म जिसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ था और उसमें मैं कुछ मीडिया वालों से मिला था जिन्होंने मुझे ऐसे सवाल पूछे जो मैं सिर्फ किसी और को पूछे जाते थे, और मैं देखता था और मैं सोचता था जब मुझे पूछे जाएंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। आज वो सारे जवाब जो मेरी स्लेट में से गायब है, लेकिन आई एम ऑनर्ड एंड आई एम प्रिविलेज्ड दैट यू पीपल यू कुड हैव राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट देयर वर पॉसिबिलिटी कि आप सब लोग शायद शाहरुख खान के सामने या ऋतिक रोशन के सामने खड़े होते, उसकी जगह आप जितने भी लोग हैं मेरे सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं ये 2 मिनट के लिए तो शाहरुख ऋतिक ही हूँ।